अस्सलामुअलैकुम या मोहम्मद सामाई, आप सब खैरियत से होंगी। और आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैथ एमटीएस 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स असाइनमेंट नंबर 1 है। इसके अंदर लेक्चर कवर है 11-16 और टोटल मार्क्स हैं 30 और ड्यू डेट है July 12, 2022। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छी तरह से रीड करना है। इसके अंदर 11-16 लेक्चर कवर है। लेक्चर को लाजमी देखिए, इससे आपकी असाइनमेंट भी कवर होगी और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और आपने सेकंडली क्या करना है, आपने वीडियो एलएम्स के ऊपर आपने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। और आपका जो डू नॉट यूज कलरफुल बैकग्राउंड इन योर सॉल्यूशन फाइल, आपने कोई भी कलरफुल बैकग्राउंड नहीं रखना। और आपका 12 टाइम न्यू रोमन होना चाहिए साइज और स्टाइल। और आपका जो जूम आउट होना चाहिए वो 100% होना चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल किया करें और मैथ टाइप को लाजमी यूज़ किया करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में भी अच्छी तरह पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, लेट एफ यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है। डिफाइन एफ एक्स हमें दिया गया फंक्शन एक एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। शो डैट एफ एक्स इज ऑन 1:1 एंड ऑन 2। हमें ये दो चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म करनी है, 1:1 फंक्शन करना है और ऑन 2 को फंक्शन करना है। ये दो चीज़ें हमने इसके अंदर परफॉर्म करनी है। और यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन है असाइनमेंट के अंदर, यहाँ पे गिवन है टाइप योर सोल्यूशन हेयर, तो आपने कॉपी करना है सिंपल, सारा जो सोल्यूशन होगा वो यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। और उसको सबमिट करना है, इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान करना है। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, ये भी 10 मार्क्स का है। लेट ए 1:2:3 है और बी 2:3 है। डिफाइन बाइनरी रिलेशन आर एंड एस फ्रॉम ए टू बी एस फॉलो। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ए मल्टीप्लाई बी, तो एक्स वाई बिलोंग टू आर है, ठीक है। एक्स ग्रेटर लेस देन इक्वल टू वाई, तो दूसरा जो रिलेशन हमें दिया एक्स वाई बिलोंग टू ए मल्टीप्लाई बी एक्स एस वाई, तो 2x प्लस वाई और ये मोड है शायद। तो पार्ट वन हमने क्या करें, रिप्रेजेंट आर एंड एस एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। क्या जो हमारा फर्स्ट है इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर हमें वो लिखने हैं, ठीक है, उसके ऑर्डर पेयर बनाने। पार्ट टू के अंदर वेदर डिटरमाइन वेदर आर आर एस इन अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन है या नहीं। और इसको भी आपने यहाँ पे नीचे टाइप योर सॉल्यूशन हेयर जहाँ पे होगा वहाँ पे आपने इसको सॉल्यूशन को पेस्ट कर देना है कॉपी करके। और थर्ड क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, ये भी बहुत ईजी है। फाइंड द 20th टर्म ऑफ समेशन हमें दिए गई है, ठीक है। निगेशन ऊपर इन्फिनिटी है, एन इज टू 1 and 2 n-1 यूजिंग द फार्मूला फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस के जरिए आपने इसको सॉल्व करना है। फाइंड द ज्योमेट्रिक सम ऑफ 1+σ इन्फिनिटी एन इज टू 1, 2 over 3 की n पावर। तो इसको आपने ज्योमेट्रिक फार्मूला के जरिए हल करना है, सम फार्मूला के जरिए, और इसका भी आपने नीचे आंसर को पेस्ट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले आपको मैं हैंड आउट के ऊपर थोड़ा दिखा देता हूँ, उसको देख लेते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमारे जो चैनल है इसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, मिड टर्म के वाले से, फाइनल टर्म के वाले से, जो MCQs हैं शोरूम के वाले से, और असाइनमेंट GDB बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ ज्वाइन करें। सोल्यूशन हमारा जो पहला था 1:1 है और उसके बाद ऑन 2 है। तो जो 1:1 है, डिफाइन आर रिलेशन आर बाय रूल एफ एक्स 4x-1 1:1 हमने परफॉर्म करना है, बिलोंग टू एक्स वे बिलोंग टू आर 1:1 प्रूव करना है। तो यहाँ पे दिया गया है हमें एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 इज इक्वल टू है, ठीक है, और 4x1 ने, और साथ उसने क्या किया बाय डेफिनेशन ऑफ f, तो -1 उसने इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी उन्हें लगा दिया। तो 4x1-1 इज इक्वल टू 4x2-1। तो क्या होगा, ये वाला जब इस साइड पे चीज़ें आएंगी तो 4x1 इज इक्वल टू 4x2 आ जाएगा। ये माइनस कट भी जाता है क्योंकि इसकी उन्होंने ऐड किया है इसके अंदर, तो कोई वैल्यू नहीं होती इसकी। तो x1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4, जो ये 4 बच जाता है तो 4 को क्या करेंगे, उन्होंने डिवाइड कर दिया बोथ साइड पे 4 को, तो 4 कट जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू x2 हमारे पास बच जाएगा। इस तरह नेक्स्ट ये इसके नीचे डायग्राम्स दी गई हैं, ठीक है। फाइंड ऑल 1:1 फंक्शन फ्रॉम एक्स ए बी वाई यू वी है, तो इन चीज़ों को आप लाजमी देखें, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास था ऑन 2 है, 75 ऑन 2 है, एफ इज़ नॉट ऑन 2 बिकॉज 3 है ये, ठीक है, जी इज़ क्लियरली ऑन 2। तो यहाँ पे नीचे एग्जांपल होगी यही 4:1 वाली, 4x-1 वाली है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई और 4x-1 इज इक्वल टू वाई। तो हमने क्या करना है, सॉल्विंग इट फॉर एक्स वी फाइंड एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन,
एक्स कर रहा है हमारे पास वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर, क्योंकि ऊपर भी फोर था वन टू वन में, नीचे भी फोर है वन टू में, तो यहाँ पे क्या किया उसने, एक फंक्शन है ठीक है, तो उसको उसने इक्वल करना है वाई के। ओके तो वो क्या कर रहा है, ये जो फोर है वाई एफ फंक्शन है वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर है, तो वो क्या कर रहा है फोर को ख़त्म करने के लिए ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और नेगेटिव वन को ख़त्म करने के लिए साथ नेगेटिव वन वो मल्टीप्लाई कर रहा है। फोर और फोर कट जाएंगे, क्या बचेगा वाई प्लस वन इंटू माइनस वन ये वाला इसके साथ, और जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये पॉजिटिव का वन है और ये नेगेटिव का, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या बचेगा वाई, तो हेंथ एफ इज ऑन टू। ओके और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 83 के ऊपर हम चलते हैं, बाइनरी का है वो 83 के ऊपर, एक मिनट देख लेते हैं हम अपना जो क्वेश्चन था। बाइनरी रिलेशन हमने देखना है ठीक है, बाइनरी रिलेशन बाइनरी रिलेशन सर्च कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए बाइनरी रिलेशन आ चुका है पेज 38। तो हमारे पास लेट ए है वन टू और बी है वन टू थ्री है ठीक है, तो वो क्या कर रहा है ए मल्टीप्लाई बी, तो इसके जो ऑर्डर पेयर बनते हैं वैसे बनते हैं वन वन होगा, वन टू होगा, फिर वन थ्री होगा ठीक है, फर्स्ट के साथ आल को मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करेंगे टू वन होगा, टू टू होगा और टू थ्री होगा। ये याद रखना है, अगर टू टू का अगर ऑर्डर पे करेंगे तो फोर होगा, अगर टू थ्री के साथ टू एक तरफ होंगे थ्री एक तरफ होंगे, देखना बी के कितने पार्ट्स हैं, थ्री हैं और एक के टू हैं, तो टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स होने चाहिए, हमने आपने ये चीज़ गिननी है ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखें वन 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 टू, फिर वन थ्री, फिर टू वन, फिर टू टू और टू थ्री, सिक्स एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है। और आर वन जो रिलेशन है उसके अंदर वन 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 थ्री टू टू आया, आर टू के अंदर वन टू टू वन टू 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 थ्री, इस तरह सो ऑन पेज 83। इसके अंदर अब हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिक, फाइंड दी 20th टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस को भी देखना है, हमें दिया है 3, 9, 15, 21 और सो ऑन एंथ तक चलेगा ठीक है 20। तो फिर ए जो है फर्स्ट टर्म जो होती है वो 3 है, ये देखे ना फर्स्ट टर्म जो, उसको हमने ए फाइंड कर लिया लेट कर लिया, और डी निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं, क्या है पहली दोनों में से निकालना है डिफरेंस, हमने जो बड़ी है उसमें से माइनस कर देंगे पहली को, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आ गया हमारे पास डी, और एंथ टर्म क्या है हमारे पास 20, तो इज इक्वल टू 20 एन हो गया, 8 इज इक्वल टू 20, ए 20 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 20th टर्म, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारे पास फार्मूला है इसके लिए हमने सॉल्व करना है। ओके तो ए 20 इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या हमने लेट किया था 3 आ गया, और एन क्या हमारे पास 20 टर्म हमने क्या 20 आ गया माइनस 1 आ गया, और डी हमारे पास क्या निकला था 6 डिफरेंस, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया माइनस किया तो 114 प्लस 3 117 आ गया। ओके इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। और एक नेक्स्ट हमारा ज्योमेट्रिक वाला रह गया वो पेज नंबर 91 शायद, देख लेते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज ये ही है इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर सो ऑन है ए आर एन माइनस वन है, तो इसका जो फार्मूला है वो ये दिया हुआ है हमने ऐसे इसको सॉल्व करना है ए डिवाइड बाई वन माइनस आर, इस फार्मूला के जरिए हमने ए की वैल्यू निकालनी है वन और आर की वैल्यू निकालनी है, और हमने इसको पुट करना है और हमारा आंसर आ जाना। तो अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, हमने क्या करना है वन टू वन एंड ऑन टू करना है, हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, हमने क्या किया लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो जो फर्स्ट वाली थी उसको एक साइड पे लिख लिया ठीक है, और दूसरी को एक साइड पे, मतलब एक्स वन वाली एक साइड पे एक्स टू वाली एक साइड पे, एक्स वन प्लस टू और डिवाइड कर दिया जो एक्स माइनस वन है, और इसके साथ हमने वन वन लगा दिया और टू टू लगा दिया, एक्स वन माइनस वन नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर रहा हूँ ठीक है, मैंने मैथ टाइप नहीं यूज़ किया, कभी यूज़ हो रहा था कभी नहीं हो रहा था इसलिए मैंने कुछ ऐसे किया ठीक है, इज इक्वल टू एक्स टू प्लस, यहाँ पे देखे ना इस साइड पे एक्स टू है ना, तो हम एक्स टू लगाएंगे एक्स टू प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस वन नीचे। अब क्या करेंगे एक्स वन प्लस टू है और एक्स टू माइनस वन यहाँ पे कैसे आया, हमने ये नीचे डिवाइड हो रहा था तो उस साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इधर डिवाइड हो रहा था ये इस साइड से इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है, जो डिवाइड होती है ना रकम उसको अगर दूसरी साइड पे करें ना इज इक्वल टू के, तो
तो वो हो जाता है मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे करें तो डिवाइड होती है, तो एक्स वन प्लस टू इस साइड पे और ये वाला एक्स टू माइनस वन इस साइड पे आ गया। अब एक्स टू प्लस टू ये नीचे आ गया और एक्स वन माइनस वन ये वाला जो है ये जब इस साइड पे आएगा डिवाइड हो रहा था यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वन माइनस वन आ जाएगा। अगर किया एक्स वन और इसको मल्टीप्लाई किया एक्स टू के साथ, एक्स वन एक्स टू आ गया माइनस एक्स वन को किया नेगेटिव वन के साथ तो क्या आया नेगेटिव एक्स वन प्लस टू एक्स टू आ गया माइनस टू नेगेटिव टू, टू को माइनस वन से करें तो नेगेटिव टू आएगा। इस तरह एक्स टू एक्स वन और नेगेटिव एक्स टू फिर पॉजिटिव टू एक्स वन फिर नेगेटिव टू। अब क्या किया ये जो इज इक्वल टू है यहाँ से ये वाली जो वैल्यूज हैं सारी इसको हम इस साइड पे लेंगे और जीरो के इक्वल कर दिया, एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस टू, और ये जब इस साइड पे आएगी एक्स टू माइनस एक्स टू एक्स टू एक्स वन जब इस साइड पे आएगी पॉजिटिव की थी दूसरी साइड पे जाएगी तो नेगेटिव की हो जाएगी, एक्स टू एक्स वन आएगा प्लस ये नेगेटिव की पॉजिटिव की हो जाएगी, जो ये भी पॉजिटिव की है ये नेगेटिव की हो जाएगी, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास ये टू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव ये कट जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह एक्स वन एक्स टू है पॉजिटिव है, एक्स टू एक्स वन ये नेगेटिव ये कट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा थ्री एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन। अब जो नेगेटिव का उस साइड पे जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, थ्री एक्स टू इजिकल टू थ्री एक्स वन और एक्स टू इजिकल टू एक्स वन हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब एक्स वन इजिकल टू एक्स टू भी लिख सकते हैं, कोई कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। सो एफ एक्स इज वन टू वन। अब क्या करना है हमने यही जो हमारे पास फंक्शन है इसको हमने ऑन टू करना है, ठीक है। तो नो प्रूफ क्या करेंगे इसी तरह हम लिख लेंगे एक साइड पे y प्लस टू डिवाइडेड बाय y माइनस वन, ठीक है, और प्लस टू करना है उसके साथ, ठीक है, डिवाइडेड के साथ ही ऊपर प्लस टू करना है क्योंकि ऊपर टू है, फिर डिवाइड कर देना है इसको y प्लस टू डिवाइडेड बाय y माइनस वन यही वाली रकम, और इसको हमने करना है मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ, ठीक है, क्योंकि नीचे माइनस वन है ऊपर पॉजिटिव टू था ऊपर पॉजिटिव टू कर दिया, वाई प्लस टू प्लस टू वाई माइनस टू डिवाइड बाय वाई माइनस वन आ गया डिवाइडेड बाय y प्लस टू नेगेटिव y प्लस वन डिवाइडेड बाई y माइनस वन, तो क्या हुआ थ्री वाई ऊपर कितने टू और ये एक वाई थ्री वाई हो गया, पॉजिटिव टू और नेगेटिव टू कट जाएंगे, ठीक है, और ये वाला नीचे y माइनस वन और ये y माइनस वन आपस में कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा ये y और ये y पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, टू और प्लस वन थ्री हो जाएगा, थ्री नीचे आएगा थ्री वाई ऊपर आएगा और थ्री आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा हमारे पास y, तो हमने y ही प्रूफ करना था वही आ गया। अब हमने क्या करना है क्वेश्चन टू के अंदर पार्ट हमारे पास वन दिया था ए वन टू थ्री और बी था टू थ्री, इसका हमने ऑर्डर पेयर बनाने इस रिलेशन के साथ, ठीक है, तो क्या बनते हैं वन टू फिर वन थ्री फिर टू टू, ठीक है, यहाँ पे आ गया फिर टू थ्री आ गया फिर थ्री टू बनता है, ठीक है, थ्री टू आएगा फिर थ्री थ्री क्योंकि थ्री मल्टीप्लाई टू तो सिक्स बनते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स हमारे करेक्ट बन चुके हैं, ओके। और इसके बाद हमने क्या करना था सेकंड जो था हमारे पास ये वाला दिया रिलेशन इसको हमने यहाँ पे राइट किया, तो हमने इसके जो पार्ट थे वो यहाँ पे लिख दिए वन थ्री ये वाला जो टू पे डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है, ठीक है, टू टू और थ्री थ्री ये यहाँ पे आ चुके हैं, थ्री पेयर्स आ चुके हैं, और जो पार्ट टू था वो हमारे पास आर इज नॉट फंक्शन बिकॉज फॉर वन देर आर टू आउटपुट टू एंड थ्री एस इज फंक्शन, ठीक है, ये यहाँ पे इसका आंसर है क्योंकि ये रिलेशन नॉट फंक्शन। क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है, इसके अंदर हमें ट्वेंटी टर्म ऑफ समेशन करनी है, ठीक है, यूजिंग फार्मूला अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो वन प्लस ये सिग्मा इन्फिनिटी एन इजिकल टू वन टू एन माइनस वन है, तो वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, नाइन अलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन सो ऑन एंथ इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ए वन हमने क्या किया था वहाँ पर आपको दिखाया था, ए वन हमने फ़र्ज किया था वन, ठीक है, और d जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, जो पहली दो वैल्यूज होते हैं उनमें से कॉमन डिफरेंस करते हैं, थ्री में से माइनस वन कर देंगे, थ्री माइनस वन इजिकल टू टू, डी हमारे पास आ गया टू। अब ए एन इजिकल टू जो फार्मूला है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ, a हमारे पास n कितना है ट्वेंटी टर्म थी तो हमने ट्वेंटी लिख दिया, इजिकल टू ए वन प्लस नाइनटीन कैसे आया ट्वेंटी यहाँ पे था n की जगह माइनस कर दिया वन, बीस में से एक माइनस करें नाइनटीन और डी इसके साथ वैसे ही आ गया नाइनटीन डी, ए वन की जगह क्या रकम थी वन वन आ गया प्लस नाइनटीन और डी की क्या थी वैल्यू टू, तो उसको मल्टीप्लाई आपस में किया तो थर्टी नाइन इसका आंसर आ गया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माने हमने करना था ज्योमेट्री सम ऑफ वन प्लस समेशन सिग्मा इन्फिनिटी एन इजल टू वन टू ओवर थ्री की पावर एन थी, ठीक है, ये आ गई हमारे पास, ठीक है, और तो next
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे आपने, यहाँ पे वन, ये वन आ गया, प्लस टू ओवर थ्री, प्लस टू का स्क्वेयर फोर, थ्री का स्क्वेयर नाइन, तो प्लस एट प्लस टू डिवाइड बाई सेवन, प्लस ओन एन तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ए वन हमने यहाँ पे लेट किया, ए वन हमारे पास क्या आता है, वन आता है, जो हमने पहले बुक के अंदर देखा। और आर हमने क्या किया, आर इज इक्वल टू जो दूसरी वैल्यू है टू ओवर थ्री, उसको डिवाइड करना पहली वैल्यू पे वन पे, तो वन पे डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी टू ओवर थ्री, ठीक है। और फार्मूला ए इन्फिनिटी आपने यहाँ पे साइन यूज करना है, इज इक्वल टू ए वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, ओके। वहां पे ए की वैल्यू पुट कर देनी है, वन की जगह वन ही, और माइनस आर की वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे। ए वन की वैल्यू क्या है, वन है, डिवाइडेड बाई वन एस डी नीचे आ गया, माइनस आर की वैल्यू क्या है, टू ओवर टू डिवाइडेड बाई थ्री, टू डिवाइडेड बाई थ्री आ गया, वन एस डी नीचे, डिवाइड बाई डिवाइड वैसे ही नीचे आ गया, ठीक है, और डिवाइड वाला साइन, ठीक है, और बटा जिसको हम कहते हैं। और थ्री कैसे यहाँ पे आया, थ्री जो नीचे बटे में है ना, इसको हमने क्या करना है, थ्री मल्टीप्लाई बाई वन, थ्री मल्टीप्लाई बाई वन करेंगे तो थ्री आ जाएगा, नेगेटिव टू ऐसे साथ, और डिवाइड कर देंगे बाई थ्री के साथ जो थ्री नीचे है, ठीक है। और तो थ्री में से टू निकालें तो वन आता है, वन डिवाइडेड बाय वन डिवाइडेड बाय थ्री, जो डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है ना, एक बटा के नीचे फिर बटा आता है, तो हम क्या करते हैं, जो बटे के नीचे बटा आता है वो वैल्यू होती है ना, उसको हम उठा के ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी बटा और उसके नीचे फिर बटा आ रहा है, तो हम जो नीचे वैल्यू होगी इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे वन के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री आएगा, तो थ्री को वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, थ्री ही आएगा, तो थ्री इसका आंसर आ गया, ओके। ये हमने फाइंड कर लिया ज्योमेट्रिक सम, ओके। तो आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। तो आपके साथ एक और बात शेयर करनी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बिजू यूनिवर्सिटी से स्टडी ले रहे हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड है, फोर्थ है, फाइव है, कोई भी सेमेस्टर है, ठीक है। तो हर कोई स्टूडेंट है वो चाहता है वो कुछ ना कुछ अर्निंग करे, तो काफ़ी लोग वीडियोज़ बनाते हैं अर्निंग के बारे में, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी है ना, आप कोई ना कुछ साथ स्किल सीखें, आप स्टडी कर रहे हो बिजू यूनिवर्सिटी से बेस्ट है, लेकिन अगर आप स्किल सीखते हैं इसके साथ, कुछ जॉब करते हैं या कुछ स्किल सीखते हैं या कुछ ना कुछ और इसके साथ स्टार्ट करते हैं, तो फिर द बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट है, आप बेस्ट है, लेकिन द बेस्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई स्किल सीखना पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी ना, तो आप तब तक कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर दोगे, कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट कर चुके होगे, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में क्या कर रहा हूँ, 3D मॉडलर हूँ, एनिमेशन रिगिंग और रेंडरिंग कर रहा हूँ। और मैंने भी क्या था, एक साल पहले, तकरीबन 8 महीने पहले मैंने ये काम स्टार्ट किया था सीखना 3D मॉडलिंग का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आप 50 प्लस से स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग अर्निंग, और 1 लाख प्लस आप अर्निंग यहाँ से ले सकते हो। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, फाइवर, अपवर्क पे, और किसी भी कंपनी में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, आप अगर कोई और स्किल नहीं ले रहे तो आप इस स्किल को ज़ाया मत करें, ये टाइम को ज़ाया मत करें, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन के मैंने लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। 9 क्लासेज हैं 3D मॉडलिंग की, 3D मॉडलिंग एनिमेशन मतलब कार्टून वगैरह जो होते हैं ना वो बनाते हैं, कार्टून हो गया, कोई भी मूवीज़ होगी, जैसे कि जो इंग्लिश मूवी होती है उसके अंदर डायनासोर वगैरह या कोई भी करेक्टर यूज़ होते हैं, ठीक है। 3D करेक्टर जो होते हैं, 3D गेम्स जो होती हैं उसके अंदर जो करेक्टर यूज़ होते हैं, कोई भी एनिमल, कोई भी फिशीज, कुछ भी होता है ना वो हम बनाते हैं। तो आप इंशाल्लाह इसको सीखें, और आप इंशाल्लाह बहुत, ये अच्छी स्किल है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। नीचे लिंक में दिए गए हैं, मतलब वीडियोस के लिंक हैं, 9 क्लासेज हैं, बेसिक, फर्स्ट इंट्रो, इंट्रो टू माया क्लासेज हैं, ठीक है। आपने माया को कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है, कैसे इस पे वर्क करना है, ये नीचे वीडियोज़ के अंदर आपको बताया जाएगा, ओके। तो इसको लाजमी आप सीखें, इस टाइम को आप वेस्ट मत करें कि हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए आपको ये देती है कि आप पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करें, इसका यही फ़ायदा है ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। तो आप टाइम ज़ाया मत करें और इसको स्टार्ट करें, और व्हाट्सएप लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझे से रब्ता कर सकते हैं, कोई भी आप पूछना चाहते हो क्वेश्चन, कोई भी वीडियोज़ के बारे में या 3D मॉडलिंग के बारे में, ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो करें, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही हमारे चैनल के ऊपर अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है, और आ भी चुकी हैं। फाइनल मिड टर्म के वाले से क्वेश्चंस मैंने MCQs बना के अपलोड कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।